आज राहुल लेके आया है सावन के महीने में बियर, एंड आई एम होपिंग कि ये नॉन अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बियर है भाई, 0% अल्कोहल है इसके अंदर। हम इतने बड़े हो गए बट मम्मी से पिटने का डर हमें अभी भी है यार। फ्रूट बियर का हम हमेशा जिक्र करते थे, आज वो वाली फ्रूट बियर आ चुकी है हमारे चैनल में। तो फ्रूट बियर नहीं है, पहले बता दूं, फ्रूट बियर एक अलग तरीके से बनती है। हाँ। ये बनी मॉल्ट से ही है, इसलिए इसमें आपको यहाँ पे लिख भी रहा होगा मॉल्ट बियर। बस फर्क क्या है कि इसको एज नहीं किया गया है ज्यादा, जिसकी वजह से इसके अंदर अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी टेस्ट वेस्ट ये बोल रहे हैं काफी हद तक बियर जैसा है, तो बेसिकली ये समझ लो कि नशा निकाल दिया है बियर में से, बस टेस्ट टेस्ट रह गया है। आपने रॉक बग, जिंजर बग, कार्ल्स बग, टूबॉग बहुत सारे पिए होंगे, आज आपको पिला रहे हैं हम कूल बग। ठीक है ना, तो कूल बग आ गया, मॉल्ट बियर नॉन अल्कोहलिक लिखा हुआ है इस पे, नॉन अल्कोहलिक बियर है आप देख सकते हो। तो नॉन अल्कोहलिक बियर है ये, नॉन अल्कोहलिक बियर है ये। ठीक है, तो जैसे कि नॉन का बी है तो नॉन का है नहीं, तो भाई तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो एक बहुत पुराना मिथ है दिल्ली में खासतौर से कि 24/7 पे बियर मिल जाती है। हाँ बिल्कुल मिल जाती है, नॉन अल्कोहलिक मिलती है बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हो ना कि वो ठेके वाली बियर उन पे मिल जाएगी, तो भैया काफी लोगों का कर चुका है भाई इसमें। 24/7 पे गए का बियर मिल जाती है, और भाई कई लोग ना वो कौन सी आती है बडवाइजर, बडवाइजर भी आती है वैसे नॉन अल्कोहल। हाँ, और उसकी बॉटल बिल्कुल आपको बियर की तरह लगेगी, और कई बंदे उठा के उसको पीते हैं और बोलते हैं क्या बियर है, लेकिन वो 0% है। जितनी भी 24/7 पे चीजें मिलती हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है अल्कोहलिक, एटलीस्ट इंडिया में नहीं है अल्कोहलिक बेवरेज रखने का। ठीक है, तो उनके पास जो बेवरेज आपको मिलेगा वो नॉन अल्कोहलिक ही मिलेगा। वो बात अलग है कि भाई ऐसे ऐसे बेवरेज होते हैं उनपे, दुबई के, थाईलैंड के, समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं। फैंटा की इतनी वेराइटीज देखी है मैंने उनपे, और भाई और इसका उल्टा ना आपको हरियाणा में जाके होगा, हरियाणा में आप जाओगे लोग, हाँ हरियाणा में जाओगे आप जीरो अल्कोहल लेने, लेकिन आपको मिलेंगे वहाँ पे अल्कोहल। बिल्कुल उल्टा चलता है हरियाणा में भाई साहब के साथ। चलो तो बहुत ही अच्छा लुक दिया हुआ है, बल्कि आपको अपने बियर भी होगी कोरोना बियर, तो बिल्कुल उसकी जैसा इसका लुक दिया हुआ है, अच्छा लुक है। कैप का एक बहुत ही पुराना सा यूनिक सा लोगो दिया हुआ है एक आदमी का, इंडियंस का जैसे होता है, मेरे ख्याल से ये रोमन बनाया हुआ है। हाँ जो भी है, रेड इंडियन कुछ भी हो सकता है, एक आदमी का फेस लगा हुआ है। बस आगे बढ़ो, है ना। और ये मैन्युफैक्चरिंग है डेफोडिल्स बेवरेज का, जो कि होती है महाराष्ट्र में। ठीक है, मार्केटेड बाय कूल बग बेवरेज, जो इसका नाम दिया है उसी से, और 100% वेजिटेरियन है, क्योंकि इसके अंदर ये रेड वाला नहीं है, ग्रीन वाला लोगो दिया हुआ। चलो चलो देखते हैं भाई इसके अंदर आवाज आएगी कि नहीं आएगी। आवाज नहीं, आज खुलिए बढ़िया तरीके से, ऐसे खुलनी चाहिए बोतल। ये तो भाई हमारी एक्सपर्ट बनते हैं आज, एनिवर्सरी हो गई, अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो सोच रहा था इसके अंदर इतना भाई वो नहीं होगा, भाई जितना था उतना उससे ज्यादा ही निकल गया, तो ज्यादा ही निकल गया भाई। चलो कोई नहीं, ये भी होना जरूरी है, मजा आया होगा वैसे इसको। एडिटर को बोल दूंगा स्लो मोशन में डालेगा ये वाला पार्ट एकदम से, है ना। तो फिजीनेस तो अच्छी है जैसे कि आप देख रहे हो, फ्रोथ अच्छी है, फिल्ट्रेशन अच्छा है, काफी अच्छे से फिल्टर किया हुआ है। तो भाई फ्रॉथ तो बहुत अच्छा है इसके अंदर, होए होए नीचे से देख रहा है, फ्रॉथ देख रहे हो भाई क्या बढ़िया निकल रहा है। तो इसका जो अब क्योंकि कार्बोनेटेड है, इसका बिल्कुल फील अगर आपको याद हो जैसे शैंपेन का फील होता है ना, नीचे से फिजीनेस आती है, बिल्कुल वैसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, इससे पहले कि फ्रॉथ नोजिंग कर लेते हैं। ओ भाई ओहो भाई नोजिंग है, बहुत प्यारा है, बिल्कुल बियर वाला वो आ रहा है। हाँ मेरे नोज पे लग गया, आज तो बियर मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के हो गया। हल्की हल्की सी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई, जल्दी से वीडियो खत्म करेंगे वरना पता चला सब कुछ गीला हो गया। मैं जरा कैमरामैन से एक बार कंफर्म कर लूं भाई चीजें वाटरप्रूफ है कि नहीं है भाई, थोड़ा जल्दी निपटाओ। तो अच्छा नोज पे फील है इसका, मॉल्ट वाला तो आपको नोज पे प्रॉपर पता चलेगा। टेस्ट करते हैं भाई, ऐसे लागर बियर का टेस्ट होता है ना, कुछ कुछ वैसे ही है, बस थोड़ा कड़वा पर इससे कर रहा है, मीठा मीठा पन अजीब सा ना इसमें। अरे वो जौ का जैसे होता है, जौ वही मॉल्ट एक्चुअली भी होता है, बट हाँ जौ ना इसका काफी रॉ जौ इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, तो काफी हैवी है जौ वाला पार्ट ना। हाँ। इसका मॉल्ट वाला काफी ज्यादा हैवी है, थोड़ा सा और मैच्योर होना चाहिए था मेरे ख्याल से, काफी रॉनेस फील हो रही है इसमें, है ना।
बट अगेन वही कि अगर ज्यादा मैच्योर करते तो फिर अल्कोहल आ जाता, अल्कोहल आ जाता, थोड़ा सा बर्न इफेक्ट मेरे को इसमें फील हो रहा है, जला जला सा वो आना चाहिए ना, क्योंकि ना हल्का सा को बियर का टेस्ट देना है ना, तो इस वजह से उन लोगों ने शायद वो चीज डाली हुई है इसके अंदर। मैं काम करता हूँ उसको ना एक बार मैं मुंह से लगा के पीता हूँ, उसका अलग ही फील आता है। देखो बींग अ ट्रू बियर लवर ऑब्वियसली बात है मैं कभी इसको इस पे पैसे नहीं बर्बाद करूंगा। कितने रुपए की आई थी भाई? भाई 70 रुपए की आई है। फिर भी 70 रुपए भी बहुत मायने, मैं 70 में और 70 डाल के एक बढ़िया सी बडवाइजर निकाल लूंगा 140 पे आ जाएगी। भाई यो है ना सीडी भाई बंदा, ठीक है ना, इसको इसको मतलब है नशे करने से, बात नशे की नहीं है, बात नशे की नहीं, बात है वैल्यू की। आप बियर पीने जा रहे हो तो बियर किस लिए पीते हो? कि भाई रिफ्रेशमेंट मिले और थोड़ा सा सुरूर है, ठीक है। आपने ये ली, एक तो मुंह का टेस्ट भी खराब और उसके ऊपर से सुरूर भी नहीं है। और भाई स्पेशली मैं कहना चाहूंगा ये उन बंदों के लिए जो दिखावा करते हैं कि वो दारू नहीं पीते हैं, लेकिन वो कोने में जाके छुपके दारू पीते हैं, लेकिन जब दारू वाले बैठे हुए कहेंगे हम दारू नहीं पीते, उनके सामने ये वाला बर्बाद करने वाला ड्रिंक उनके लिए मंगाया जाता है और उसे पैसा बर्बाद करते हैं वो। तो ये जो वीडियो है ना भाई, मैं कहूँगा जरूर अपने जो नॉन एल्कोहल वाले फ्रेंड हो ना, जो बच्चों वाली ड्रिंक पसंद होती है भाई, उनके लिए जरूर टैग करना और उनको जरूर बताना कि मार्केट में ऐसा ब्रांड आ गया है जो बियर की फील देने वाला है और लेकिन अल्कोहल उसमें जीरो है। देखो साथ देने वाले बंदों के लिए ये बस, ये सिर्फ बियर की फील नाम से है क्योंकि इसके ऊपर टैग लगा हुआ है। टेस्ट में भी मैं बता रहा हूँ कि जो बहुत ज्यादा बुरी बियर भी मैंने टेस्ट कर रखी है ना, वो भी मेरे ख्याल से इससे एक पायदान बेटर ही है। मैं कहूंगा थोड़ा चिल्ड सर्व करना है इसको, हमने थोड़ा बेटर टेस्ट लगे हमने इसका, जो जो रॉ मॉल्ट वाला जो टेस्ट है ना इसका मेरे को पसंद नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये पता है हमारे लायक बनी भी नहीं है ना, ये तो उन्हीं के लिए बनी है ना जो दारू पीते हैं, उनको क्या पता टेस्ट क्या होता है। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इसको ना इन्होंने फर्मेंट कर दिया है और जो फर्मेंटेशन वाला जो आफ्टर टेस्ट रह जाता है ना कि कुछ चीज सड़ गई है ना, आफ्टर टेस्ट जो रह जाता है बिल्कुल वैसी है। मैंने एक बडवाइजर जीरो आती है, बडवाइजर नॉन अल्कोहलिक, उसका भी टेस्ट इससे बेटर था। यह हो सकता है कि ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है कूलबर्ग, ये शायद ठीक से एनहांस नहीं कर पाया है टेस्ट को। अब एक काम करते हैं, राहुल लेके आया है, बडवाइजर कंपैरिजन कर देगा इसका, राहुल लेके भी आया है, तो अब कोशिश करेंगे एक सीरीज निकालते हैं नॉन अल्कोहलिक जो बेवरेज आते हैं बियर के, ठीक है, वो वाले भी लेके एक प्रॉपर बनाएंगे और देखेंगे कैसा क्या कौन सा बेटर है उसमें, ठीक है। कि भाई मुझे नहीं पता था कि मैं पहली बार पी रहा हूँ नॉन अल्कोहलिक बियर, मुझे नहीं पता था इतनी बुरी होगी भाई, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है बहुतों को पसंद आएगी। मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ हूँ जो बियर नहीं पीते हैं, उनके लिए ड्रिंक बहुत बढ़िया है। मैं कहूँगा ला के पियो, अपने दोस्तों को पिलाओ, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं असली बियर क्या होती है, तो उनके लिए ये बढ़िया है। मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा आप एक रेडबुल ले लेना, ज्यादा फील अच्छा दे देगी आपको, ठीक है। भाई बियर का बातचीत कैसे आएगी, बियर दिखने भी तो चाहिए। चल तो ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू, मेरा थोड़ा ब्रूटल रहा है यहाँ, राहुल का थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पर्सनल व्यूज, ब्रूटल नहीं रहा भाई, देख वैसे तो है वाहियत खराब लेकिन उन लोगों के लिए बढ़िया है जो पीते नहीं है, मैं तो आपसे बात कहूंगा। तो देखो आप खुद ट्राई करना, हमारी बातों पे मत जाओ, आप खुद बताना कि आपको कैसी लगी है, क्या पैसा आपने जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया या फिर ठीक ठाक लगा आपको, ठीक है। बट हाँ ये था आज का रिव्यू, राहुल अपनी अर्जी लगाओ, बारिश की बूंदें तेज हो रही हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए हमारे चैनल पर बने रहो, आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं और भी अच्छे अच्छे रिव्यू देने वाले हैं। आप बताना आपको कौन सा नॉन अल्कोहलिक बियर का रिव्यू चाहिए, किसका चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू लाने का। बिल्कुल, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, खासतौर से जो टाइम चल रहा है, हर दूसरी जगह पे बाढ़ आ रखी है, घर से कम ही निकलो तो बेटर है, पता चले कहीं फंस गए, दिल्ली में भी बाढ़ आ गई इस बार तो। एंड फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए नॉन अल्कोहलिक या अल्कोहलिक बेवरेज के साथ, तब तक के लिए लाइव दोगुना की तरफ से, मेरी तरफ से, राहुल की तरफ से, चीयर्स।